नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम अनुभव पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती जो आने वाली है। और बेसिकली हम यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी आएंगी यानी भर्तियाँ आएंगी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से, उन सभी विषयों पे बात करेंगे। मगर बेसिकली जो मैं आज स्पेशल बात करूँगा वो होगी सिपाही भर्ती और दरोगा भर्ती, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 6 तारीख यानी कल की डेट में हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार के यानी विधायक दल के नेता हैं योगी जी यानी मुख्यमंत्री योगी जी, उनके द्वारा जो कहा गया है कि जो भर्तियाँ आएंगी लगभग 62,000 आएंगी। ठीक है, तो 62,000 में आपको पता होना चाहिए कि 52,000 लगभग तो सिपाही के, यानी कि 52,600 पद कह लें पूरे टोटल, क्योंकि है एक पद कम है। और जब तक पूरा नोटिफिकेशन ना आ जाए ये 100, 200, 500 पद इधर उधर होंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है तब तक और पद बढ़ जाए तो इसमें ऐड ऑन कर दिए जाए, ये भी हो सकता है। तो अधियाचन जो मिला है 62,424 पदों का मिला है, जिसमें आपके रेडियो ऑपरेटर और उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा के हैं पद और जेल वार्डन के हैं। तो इसी तरह लगभग 5 से 6 रिजिग्नेशन हैं, उन पे भर्ती आएंगी। तो लगभग लगभग काफ़ी बड़ी मात्रा में भर्ती आने वाली है। तो जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए एक अंतिम अवसर है। क्यों अंतिम अवसर मैं कह रहा हूँ कि आप 2027 तक कोई भर्ती फिर नहीं देखेंगे, ये हकीकत है। कड़वा ज़रूर है मगर हकीकत है, और इसको आपको मानना चाहिए। नहीं मानेंगे तब भी मानना पड़ेगा। 27 तक आप इंतज़ार करेंगे बहुत बड़ी बात नहीं, मैं नहीं कहूँगा। और जब इंतज़ार करें तो इस चीज़ को आप खुद महसूस करेंगे कि क्या मैंने सही कहा था या गलत। स्पेशल मैं पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से जो जानकारी दे रहा हूँ उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा यहाँ पे जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा उसके बारे में बात करेंगे। कैसे कितने क्या ट्रेंड्स चल रहा है पेपर का, कैसे मैथ की कैसे तैयारी करें, जीएस की कैसी तैयारी करें। मैं नहीं गारंटी लेता हूँ 1,00,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन कराने की, मैं एक कैंडिडेट का लेता हूँ। हाँ, जो भी कैंडिडेट मुझसे जुड़ेंगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझसे 1,00,000 कैंडिडेट मुझसे जुड़े, ठीक है। मगर हाँ, जितने जुड़े 100, 200, 1,000, 500 उनका सिलेक्शन हो जाए, मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज़ है। मैं ज़्यादा नहीं जोड़ना चाहता हूँ, मगर जितने जोड़ना चाहता हूँ उनका सिलेक्शन जरूर अवश्य हो, ठीक है। तो इस विषय के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। वीडियो को अंत तक देखें क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और हाँ, मैं यहाँ पे सब चीज़ इसलिए नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मैं दो टॉपिक लेके चलूँगा, हिंदी और मैथ, ठीक है। ये हो गया आपका, सॉरी, ये हो गया आपका हिंदी हो गया फर्स्ट, एंड सेकंड आपका हो गया जीएस। क्योंकि फ्रेंड्स, समय के अभाव को देखते हुए यही दो चीज़ मैं अभी ला सकता हूँ, क्योंकि अभी फैकल्टी मेरे पास इतनी नहीं है और जॉब के चलते मैं जो चीज़ कर सकता हूँ वही करूँगा। कमिटमेंट मैं आपसे चारों विषयों का कर दूँ। हाँ, ये आपको तरीका अवश्य बता दूँगा कैसे क्या पढ़ना है। और मैथ के तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, मात्र 17 टॉपिक होंगे, 18 टॉपिक होंगे, उन्हीं को ही पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, कहीं भी कोचिंग कर लीजिएगा। मैं किसी का ना प्रमोट करूँगा ना किसी को मैं किसी का उपहार दूँगा। हाँ, ये आपको जहाँ पे पढ़ना वहाँ पे पढ़िए, स्वतंत्र हैं आप अपने लिए। और मैं यहाँ पे डायरेक्ट, आप यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं पाई चार्ट है, और ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। यहाँ पे मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये क्या है, रीजनिंग का पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि आपको पता होना चाहिए सदृश परीक्षण होता है, कि जैसे इस तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं सदृश परीक्षण। और इसकी एक बार और मैं सीरीज़ दे दूंगा, या टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाएंगे तो किसमें कौन से क्वेश्चन होते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। और इसलिए कह रहा हूँ कि टेलीग्राम जुड़ने से आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। और कट ऑफ तो डेफिनेट ज़्यादा जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 35,00,000 प्लस कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि 2018 के बाद इस फॉर्म को 2023 में आना है, और 2023 में अगस्त तक आएगा, अगस्त लास्ट हो सकता है, हाँ सितंबर से पहले आ जाएगा संभवतः, ठीक है। सितंबर अगस्त तक इस फॉर्म को आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद वर्गीकरण से 93, दिशा से 19, रक्त संबंध से 31 प्रश्न। जो अभी जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, यानी कि जैसे जेल वार्डन, UPSI, UP पुलिस कांस्टेबल, तो क्या ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का रीजनिंग में, मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। और जो तार्किक क्रम शब्द निर्माण होते हैं वो 13, जो संख्या श्रृंखला होती है उसमें 43 पूछे गए हैं,
वर्णमाला की श्रृंखला जो आती है उसमें 33 पूछे गए, कोडिंग डिकोडिंग 59 प्रश्न आए हैं, और जो डाइस होता है पासा उसमें 10 प्रश्न आए हैं, शब्द निर्माण 16 प्रश्न आए। यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ, आपको मोटी मोटा एक नमूना के तौर पे अभी आपको बताता हूँ कि अभी जैसा कि आप हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ है यूपी SSSC की तरफ से VTO का, तो आपको पता होगा सभी ने बहुत लेवल का पढ़ाया, हाई लेवल का, जैसे कि पेपर ना हो गया बहुत टफ आएगा पेपर, सब ने फोकस किया हिंदी और रीजनिंग में, क्योंकि जो 2018 में हुआ तो रीजनिंग बहुत ही टफ आई थी ऐसा लोगों का कहना है, तो सब ने उसी पे फोकस किया। मगर इस बार आयोग ने एक दूसरे एंगल से खेल किया कि GS को टफ कर दिया, तो सब धड़ाम हुए। ठीक है, हाँ किसी के अच्छे बन रहे हैं, मगर मैक्सिमम जो कैंडिडेट को नुकसान हुआ है वो GS में ही हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जितने टॉपिक हैं, यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि जैसा कि आप देख रहे हैं सदस परीक्षण में प्रशिक्षण जो परीक्षण है 78 या 93 प्रश्न तो यहीं से ही ज़्यादा आएंगे। कभी कभी एग्जामिनर देखता है कि जहाँ पे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं वहाँ से क्वेश्चन बना दे। हो सकता है इस बार आयु से कम यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, आयु संबंधी प्रश्न 3 आए हुए, हो सकता है इस बार आयु से ज़्यादा दे दे इसको यहाँ पे ले आए, हो सकता है लुप्त संख्या को यहाँ पे ले आए। ठीक है, हो सकता है जो अंगणती तार्किक शक्ति जैसे क्वेश्चंस आपने करे होंगे उससे आपको बढ़ा दे यहाँ पे ले आए। कथन निष्कर्ष जैसे इस समय ट्रेंडिंग पे हैं, हर जगह पे आते हैं, नए निगमन आते हैं, तो इसको बढ़ा के यहाँ पे ले आए। तो इस तरह से कैंडिडेट को कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो रीजनिंग में भी आपको हर चीज़ को पढ़ते हुए चलना है। कथन निष्कर्ष हो गया और कथन पूर्ण धारणा, देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो न्याय निगमन है, ठीक है, न्याय निगमन, कथन और तर्क, कथन निष्कर्ष, कथन और जो पूर्व धारणा होता है, ठीक है, इसके क्वेश्चन करने का चारों का तरीका अलग अलग होता है, तो इसको भी आपको सीखना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ नहीं आती है आप व्यक्तिगत जुड़ के हमसे जैसे भी हेल्प चाहते हैं आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। और कैलेंडर 14 प्रश्न आए हैं, दर्पण प्रतिबिंब से 14 प्रश्न आए हैं, आवृत्ति निर्माण 22 प्रश्न आए हैं, वेन आरेख 39 प्रश्न है, विविध से 10। तो यहाँ पे आपको बहुत हाई लेवल की रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात मैं कह दूँ, मॉडरेट पढ़ना है। और हाँ, आपको अप्रोच अपनी थोड़ी सी बेहतर करनी है तभी क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, रीजनिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद हम बात करेंगे, देख सकते हैं जैसा कि नीचे आएंगे तो इसके बाद हो जाएगा आपका मानसिक योग्यता, जो यहाँ पे देख सकते हैं संख्यात्मक मानसिक योग्यता, ये क्या आपका है मैथ। तो मैथ में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 37, 38 और फिर 37, 38 ये स्लैब चलता है। ठीक है, ये हो सकता है हिंदी हो, ये रीजनिंग हो सकता है, ठीक है, और ये मैथ हो सकता है, तो ये GS हो सकता है। ठीक है, 37, 38 का रेशियो चलता है, तो किसी में 37, किसी में 38, तो 150 प्रश्न टोटल होते हैं, तो एक क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, मगर 37, 38 का रेशियो चलता है, चार टॉपिक हैं आपको पता है। और मैं उसके बाद बात करूँगा मैथ का, तो यहाँ पे संख्या पद्धति, जो संख्या पद्धति है 11 क्वेश्चन अभी तक जो पूछे गए, सरलीकरण थोड़ा ज़्यादा आता है क्योंकि यहाँ पे बच्चों का टाइम ज़्यादा जाता है, जो क्वेश्चन होती है जो बॉर्डो मार्क्स है उससे क्वेश्चन डील किए जाते हैं, इसको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, सबसे बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद भाग को डील किया जाता है, यानी जो डिवाइड है, फिर जो गुणा है उसे, फिर उसके बाद प्लस माइनस, ऐसे डील होती है। ठीक है, इसको सरलीकरण डील कहते हैं, एक क्वेश्चन होती है, फिर उसके बाद दशमलव भिन्नें होती हैं, उन्हें औसत होता है, और LCM SCF हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, बट्टा हो गया, साझा हो गया, CISI हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया यानी अनुपात समानुपात, कार्य समय हो गया, चाल समय, दूरी, रेल संबंधित प्रश्न। अब सोच सकते हैं कुछ क्वेश्चन या कुछ टॉपिक हैं जहाँ पे हर बार ज़्यादा प्रश्न, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जितने भी ये क्वेश्चन हैं 2016 के बाद के हैं। ठीक है, और 2011 के पहले, देखिए 2016 के बाद से चीज़ें बदली हैं, तो जो क्वेश्चन आएंगे 2011 के पहले के हिसाब से ट्रेंड नहीं होगा, ट्रेंड जो चलता है वही चलता रहता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझ कर पढ़ना है, किसी चीज़ की तैयारी करने से पहले उसको एनालाइज़ किया करिए कि कैसे क्या क्वेश्चन की ट्रेंड है, कैसे क्या टॉपिक कहाँ से आ रहे हैं। और यहाँ पे ये नहीं आपको करना है कि यहाँ से ज़्यादा है तो हम सरलीकरण पे ज़्यादा टाइम दें, आपको जितने भी टॉपिक हैं आप गिन सकते हैं, इसे लगभग 17 से 18 टॉपिक, ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि आप 3 दिन भी एक टॉपिक को देंगे तो ईज़िली आप इस टॉपिक को, मुझे लगता है कि 18 से 54। ठीक है, तो मोटी मोटा आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में 2 माह के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, और 2 माह तक आपका फॉर्म भी नहीं आना है। ठीक है, तो इसलिए फॉर्म आने से पहले आप मैथ अपनी कंप्लीट कर लें। हो गया, चाल समय दूरी क्षेत्र के लिए भी होते हैं। ठीक है, आपको एक पोस्ट चाहिए,
चाहे वो टॉपर हो या लास्ट रैंक वाला हो, ठीक है। मगर हाँ, चॉइस होनी चाहिए भाई, लास्ट रैंक वाले की सिविल पुलिस में तो नहीं होगा, मैक्सिमम लोगों को सिविल पुलिस चाहिए होती। काफ़ी लोगों को भाई जिनकी कम मेरिट होती है उनको पीएससी मिलती है, और कुछ लोगों को भाई अपना प्रेफरेंस ऑर्डर भी सिलेक्ट करना होता है। कोई अपना हो सकता है कि भाई फायर एंड सर्विस में डालना चाहते हैं, तो ये थोड़ा होता है आपका प्रेफरेंस ऑर्डर, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप किस में जाना चाहते हैं। कुछ लोग पीएससी पहला डालते हैं, तो पीएससी पहला डालेंगे प्रेफरेंस तो आप टॉप भी करेंगे तब भी आपका नहीं होगा सिविल पुलिस में, ये भी समझिए, क्योंकि आपने प्रेफरेंस में पीएससी डाला हुआ है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए भी प्रेफरेंस ऑर्डर डालना है। तो फॉर्म आएगा, वो हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इसलिए कह रहा हूँ कि यदि फॉर्म में कोई भी समस्या हो कहीं भी, तो हर चीज़ हर एक कदम पे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, एनी थिंग एल्स, कुछ भी समस्या हो, आप मुझसे जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये हो गया मैथ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते सरलीकरण से ज़्यादा पूछा गया है, और एलसीएम एससीएफ हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सीआईएसआई रेशियो प्रोपोर्शन और टाइम एंड वर्क, ये 6 से 7 टॉपिक तो आपको निचोड़ने ही है, ये आपको आना अति आवश्यक है। इतने टॉपिक आपने क्लियर कर लिए, मेरे अनुसार ही मुझे ये जो लगता है कि यदि आपको इतने टॉपिक आ गए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, यानी पहला सरलीकरण हो गया, उसके बाद औसत हो गया, उसके बाद आपका लाशामासा हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, और उसके बाद आपका सीआईएसआई रेशियो प्रोपोर्शन कार्य समय, इतने टॉपिक और एक चाल समय दूरी, इतने कर लिए, और एक यदि रेल आती है तो आप धारा भी कर लेंगे, तो ये तो चलिए छोड़, मैं इसको छोड़ भी देता हूँ। यदि आप इतने टॉपिक कर लिए, कितने टॉपिक, 9 टॉपिक हैं, तो आप ये 9 टॉपिक मुझे लगता है कि एक महीने में तो इजीली ख़त्म कर ही देंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो 9 टॉपिक। यदि 9 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आप मैथ में 25 क्वेश्चन तो इजीली डील कर लेंगे, 25 से 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक अच्छा एवरेज, यदि 30 क्वेश्चन कर लेते हैं, जब किसी किसी की मैथ बहुत कमज़ोर होती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं ये सेक्टर बता रहा हूँ कि, और उसके लिए आपको फिर जो पढ़ना हो वो पढ़िए, मगर जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। और इसके बाद मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, अगला है पोर्शन हिंदी। अब हिंदी में क्या पढ़ना है आपको, हिंदी में तो ऐसे अथाह है भाई, इन्होंने डायरेक्ट दे दिया हिंदी अन्य भारतीय भाषाएं। उसके बाद हिंदी व्याकरण से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं मौलिक ज्ञान से यहाँ पे। उसके बाद जो पूछा जाता है विविध से, विविध से जैसे हिंदी में सामान्य ज्ञान की तरह प्रश्न पूछे, जैसे हो सकता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, हिंदी कब आधिकारिक भाषा बनी, ठीक है, हिंदी यानी उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा कौन सी है, इस तरह से क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के बन जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हिंदी से संबंधित अवार्ड हैं, तो इस हिसाब से विविध में ये सब तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये भी मैं हर चीज़ देखिए, मैं 2 टॉपिक मैंने आपसे कहे हैं कंप्लीट कराने के लिए, तो इससे आप निसंदेह रहें, 75 क्वेश्चन आपको हमारी सीरीज़ से मिलेंगे हिंदी के और जीएस के, 75 में 75 आपको आएंगे एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन मिलेंगे, कितनी भी शिफ्ट हो, हर शिफ्ट की मैं गारंटी लेता हूँ। तो इसके बारे में आपको बता रहा हूँ बेसिकली कि पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। ये अंतिम मौका है, क्योंकि 5 वर्ष बाद एक वैकेंसी आती है और 1-2 वर्ष तो उसको पूरा प्रोसेस होने में लग जाता है, तो ये इस चीज़ को आप गंभीर रूप से लीजिए। और यहाँ फॉर्म भी पढ़ेंगे कम से कम 35-40 लाख, ये मत सोचिए कि कम फॉर्म पढ़ेंगे, क्योंकि हर वर्ष लड़का 10 से 12 लाख लड़का पर ईयर इंटर क्वालीफाई करता है, तो आप जोड़ सकते हैं 5 साल में, ठीक है। तो हम 6 लाख भी जोड़ रहा हूँ, तो 6×5=30 लाख लड़का तो यही हो गया, तो 30 लाख लड़का ये हो गया, और जो 18 के होंगे तो यहाँ पे लगभग लगभग मेरा जो अनुमान है 35 लाख तक फॉर्म पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे हिंदी भाषा से प्रतिष्ठित जो सम्मान हैं, कवि लेखक उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, और एक जो अपठित गद्यांश आता है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे द्वारा दिए जाएंगे, एक सीरीज़ मैं चालू करने जा रहा हूँ उसका भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो उसको आप निरंतर देखें और अपने सभी साझा करें। मैं ये भी कह रहा हूँ जो सीरियस कैंडिडेट हो, यहाँ पर सामान्य ज्ञान, यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं, पर्यावरण, भारत का इतिहास एवं संस्कृति, भारत का संविधान यहाँ पे ज़्यादा पूछा जाता है, और जो अर्थव्यवस्था हो गई, और यहाँ पे जो समसामयिक घटनाक्रम, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और ऐसे 2-4-10 क्वेश्चन तो अब हर एग्ज़ाम में 2-4 प्रश्न तो टफ होंगे ही होंगे, जीएस है क्योंकि कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित प्रश्न हैं, जनसंख्या नगरीकरण है, उसके बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्कृत सामाजिक प्रथाएँ हैं,
उत्तर प्रदेश का राजस्व के 4 प्रश्न हैं, तो कुछ टॉपिक आपको इग्नोर नहीं करना है कि राजस्व के 4 प्रश्न है तो हम इसको इग्नोर करेंगे, पढ़ना इसे भी है, क्योंकि हो सकता है इसको इस बार पैराग्राफ को यहाँ बढ़ा दें, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में मत रखिएगा कि यहाँ पे 14 यानी कि जो मानवाधिकार या जो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें कम क्वेश्चन है तो उसको इग्नोर करना है, नहीं, सभी चीज़ को पढ़ना है। और देखिए सिलेक्शन बैलेंस से होता है, ठीक है, संतुलन बहुत ज़रूरी है। हर पोर्शन में आप 30-30 कर ले गए तो आप 120 प्लस हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बिल्कुल गांठ बांधनी है तभी आप, क्योंकि एक बड़ा ग्रुप है बच्चों का वो एग्ज़ाम में बैठेगा। और ये मत सोचिए कि बड़ी भर्ती है, बड़ी भर्ती है तो बड़ा लड़का भी, यानी कि एक बहुत ज़्यादा लड़के भी बैठेंगे, 30 लाख 35 लाख लड़का कम नहीं होता है, 50,000 भर्ती है, ठीक है, भर्ती भी ज़्यादा है ऐसा नहीं है, मगर लड़के भी ज़्यादा हैं। तो ये सब टॉपिक हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको हर चीज़ आपको दी जाएगी, मुझे थी। और हाँ, दौड़ भी आपको इग्नोर नहीं करनी, क्योंकि आपको पता होगा 2018 की जो पहली भर्ती थी, रिजल्ट 5 दिसंबर को आया था, 7 दिसंबर को दौड़ लगा दी थी। तो इस चीज़ से भी आपको अवेयर रहना है, जितने भी टॉपर लड़के थे वो स्क्रीन आउट हो गए थे, बाहर हो गए थे दौड़ से। तो इसलिए आपको दौड़ भी निरंतर करनी है, अपने खान पान में भी उतर लानी है और उसको संतुलित करना है खान पान, ठीक है। 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर जो भी आप अपनी स्टेमिना बनाने के लिए शुरू में दौड़ें, पाने के लिए आपको संयमित तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। और नियमित आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो आप डिज़र्व करता है बेसिकली ये, ठीक है। तो वो चीज़ आपके लिए होने की कोशिश करेगी। तो यही जानकारी थी, और भी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ जाएँ, चैनल को आपने अभी नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, और नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, जानकारी आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे आके ले सकते हैं। थैंक यू।